भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को भ्रष्टाचार के मसले पर घेर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस रमन सरकार के घोटाले गिना रही है। प्रदेश में 5 साल इनकी सरकार रही लेकिन एक भी घोटाले की जांच नहीं करवाई। कांग्रेस के नेता मंत्री बस आए दिन रमन सरकार के घोटालों की लिस्ट जारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर भूपेश बघेल के पास बीजेपी के शासनकाल में हुए घोटाले की लिस्ट है तो अब तक जांच क्यों नहीं हुई। भूपेंडी ने कहा प्रदेश के मौजूदा सरकार और विपक्ष में बैठी बीजेपी प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। उन्हें विकास के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। अब चुनाव होने में कुछ ही समय बचा है तो कांग्रेस बीजेपी सरकार के घोटाले की लिस्ट जारी कर रही है। आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी रही जो रमन सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच नहीं हुई। कांग्रेस के लिए चोर की दाढ़ी में तिनका जैसे कहावत चरितार्थ होती है। कांग्रेस का दावा है कि रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में 1,00,000 करोड़ के घोटाले हुए हैं। अब देश के प्रधानमंत्री को इनकी जांच करवानी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि अब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर रोक की बातें करते हैं लेकिन जब भ्रष्टाचार के मामले भाजपा से जुड़े हो तो प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। कांग्रेस ने रमन काल के घोटालों की लिस्ट जारी की थी।